हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स आवर वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 6 to 8, शेड्यूल टू बी डन ऑन 5th October 2020। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, योर क्लास टीचर्स नेम, योर रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी। नाउ लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। ये आज हम गेम खेलने वाले हैं। आज हमारी वर्कशीट में हम गेम खेलेंगे। देखिए कैसे। ये है हमारा ब्लॉक, जिस ब्लॉक से हमें यहाँ पे हमें एज दी हुई है। ये अलग अलग बच्चे हैं जो मिलकर खेल रहे हैं। सबकी अलग अलग एज है। किसी की 15, किसी की 6, किसी की 5, 4, 2, 14। तो इस तरह से सबने स्कैटर करके फैलाकर इस तरह से अपनी एज लिखी है कि कोई डिजिट तो है जो सब में है, और कोई डिजिट ऐसी है जो ए कॉलम में है, बी में नहीं है, बी में, सी में, डी में है तो ए में नहीं है। इस तरह से हमें यहाँ पर आप अपनी भी एज के अनुसार गेम बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बेटा, हमें समझना है कि ये गेम काम कैसे करेगी। आज तो मज़े आ गए हमारे। आज तो हमें एक गेम बनाना भी बताया जा रहा है और हम गेम खेलेंगे भी। आज हम सब मिलके गेम खेलेंगे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो देखिए, आप इस तरह से अपने घर में भी गेम बना सकते हैं सबके साथ। देखिए बच्चे, सबसे पहले है मोहन्स एज इज इन कॉलम ए एंड कॉलम डी बट नॉट इन कॉलम बी एंड सी, हेंस मोहन इज 9 years old। तो बेटा क्या कहा गया है कि कॉलम ए ये वाला है, बी ये वाला है, सी और ये डी। मोहन की एज की जो डिजिट है, जो मोहन की एज है, वो ए में और डी में तो है, लेकिन बी और सी में नहीं है। अब हमें ऐसी डिजिट देखनी है जो ए और डी में तो है लेकिन बी सी में नहीं है। तो जब हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ देखिए, ए और डी में, ये ए और ये डी में 9 है लेकिन बी और सी में 9 नहीं है। हमने ये सारा देखा तो यहाँ 9 नहीं है, तो इसलिए क्या पता चला कि इसकी एज क्या है। यस, मोहन की एज है 9 years। तो यहाँ पे आ गया ना 9 years। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। पजल्स कितनी अच्छी है हमारी। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है इससे कि हमें सोचना है हर तरह से। रूहीज एज इज इन कॉलम बी ओनली, हेंस रूही इज 2 years old। अब क्या कहा गया है कि रूही की जो एज है वो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ कॉलम बी में है और किसी में नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं है टू, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है टू नंबर। तो देखिए क्या पता चला कि रूही की एज क्या है, 2 years 2। अब ऐसे ही थर्ड देखिए, तरनजोत्स एज इन, अब तरनजोत जो है उसकी एज कहाँ है, कॉलम ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, बट नॉट इन सी, सी में नहीं है। तो तरनजोत 11 years का है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं, ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, लेकिन सी में नहीं है। तो हमें पता चला कि तरनजोत कितने साल का है, 11 years का। जब आपको आपकी एज पता होगी कि आप कितने साल के हो, तो आप इसमें देख सकते हो ना, और डिजिट अपने मन में सोच के आप देखो कौन कौन से कॉलम में है और कौन कौन से में नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि मेरी एज कॉलम ए में, सी में और बी में है, ए बी सी में मेरी एज है लेकिन डी में नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो देखो 7 ए बी सी में है लेकिन डी में नहीं है। तो आप इस तरह से अपनी एज से रिलेटेड भी पजल बना सकते हो। अब देखिए, जॉन्स एज इज इन कॉलम ए बी सी एज वेल एज कॉलम डी। अब जॉन की जो एज है वो क्या है, वो सभी कॉलम्स में है। तो उसने कहा देखो जॉन कितने ईयर्स का है, 15 years का। देखें, ये देखिए जॉन की जो एज है वो कॉलम ए बी सी डी सभी में है। तो जॉन की एज है 15 years। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमारा आज के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए, हम जानेंगे, अब उन्होंने हमसे पजल पूछी तो हमें आंसर देना है। रोहित से एज इज
इज प्रेजेंट इन कॉलम ए सी, रोहित की एज ए और सी में है बट बी और डी में नहीं है। फाइंड द एज ऑफ रोहित, तो आप देखिए ए और सी में है, बी और डी में नहीं है। तो यहाँ देखिए ए में भी होना चाहिए, सी में भी होना चाहिए, लेकिन बी और डी में नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर भी है? देखिए पहले एक नंबर ए और सी में, तो सी में तो एक है ही नहीं। फिर उसके बाद तीन, ये तो बी में है और बी में तो उसको होना नहीं चाहिए। अब आया पाँच, तो देखिए फाइव जो नंबर है वो ए में भी है और वो सी में भी है लेकिन बी और डी में नहीं है। तो कितना हो जाएगी उसकी एज? यस वेरी गुड, तो रोहित की एज हो जाएगी 5 years। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान एज इज इन बी सी डी। सलमान की एज कहाँ पर है? बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, और हमें बताना है कि वो कॉलम ए में नहीं है, ए में नहीं है। फाइंड द एज ऑफ सलमान, तो हमें देखना है कि ए में जो डिजिट नहीं है और बी सी डी में है। तो देखिए आप ऊपर से देखते हुए आएंगे तो हम 5 तक 5 तक तो देख चुके हैं और 7 तो बेटा ए में भी है, बी में सी में है और हमें चाहिए ए में नहीं होना चाहिए और बी सी डी में होना चाहिए वो सेम नंबर। तो यहाँ 9 आ गया, तो 9 भी ऐसा नहीं है, 9 भी ये देखिए ए में जो है वो तो होना ही नहीं है, ए में तो होगा ही नहीं वो नंबर जो इन तीनों में। तो यहाँ देखिए ये तीनों में है, बी सी और डी, बी और सी और डी में तीनों में हमारा 14 नंबर है और ए में नहीं है। तो क्या हो गया ये, अब सलमान की एज क्या आ जाएगी? 14 years। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 14 years। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स डू वी सी इन कॉलम ए। तो चलो देखिए कॉलम ए में कैसे नंबर है। ये देखिए कॉलम ए में नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स। वेरी गुड, अब बच्चों को सब पता है, वेरी गुड। ऐसे ही हम सब मिलके एंजॉय भी करेंगे और नई नई चीज़ें भी सीखेंगे। आज तो बहुत मज़ा आया ये गेम खेल के। हम देखिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ऑड नंबर्स। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, अगले प्रश्न में है, ट्राई टू फाइंड आउट एज ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर एंड और फ्रेंड यूजिंग अबव टेबल। तो बेटा इसी तरह से ऐसी आप टेबल बना सकते हैं, अगर आपके ब्रदर छोटे भाई बहन की एज या आपके दोस्त की एज। ऐसा इसलिए कहा गया कि छोटे भाई और दोस्त की एज क्योंकि यहाँ पर जो एज है वो 15 तक मैक्सिमम लिया है। अगर आप मम्मी पापा की एज के साथ या बड़ों की एज के साथ ऐसा बनाना चाहेंगे तो आपको नंबर्स वैसे लेने पड़ेंगे जो आप मिक्स करेंगे। इसलिए अभी आप अपने छोटे भाई बहन और दोस्त, यानी कि जो आपका बराबर का है, आपसे 1 साल बड़ा 2 साल बड़ा है, उनकी एज से संबंधित ऐसे क्वेश्चन बनाइए, ऐसे 5 क्वेश्चन आप भी बनाइए और इस तरह से गेम खेलिए। आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, आज तो बहुत मज़ा आया ये गेम खेल के, और आपको इस तरह से नई नंबर गेम बनाने की भी कोशिश करनी है। और आपको पता है ना कि जैसे अभी हमने कहा ये ऑड नंबर्स हैं, तो ये ऑड नंबर्स जो हैं हमारे, अब देखिए कौन सा है। अब यहाँ पर अगर इवन नंबर्स होते तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से जो डिवाइड हो जाते हैं नंबर्स, वो जैसे 2, 4, 6, 8 जो 2 के टेबल में आ रहे हैं, या जिसके यूनिट प्लेस पे ये सारे हों, जिनके इकाई स्थान बट यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 है या ये नंबर्स हैं, तो वो इवन नंबर्स होते हैं, उनका पेयर हो सकता है, वो 2 से डिवाइड होते हैं, इस तरह से हम याद रखते हैं। और अगर प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से ही, सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इट्सेल्फ, तब होता है प्राइम। अगर यहाँ पर ये नंबर 15 और नंबर 9 नहीं होता तो ये सारे क्या बन जाते? प्राइम नंबर्स। क्योंकि नहीं, प्राइम नंबर में आपका 1 भी नहीं आता,
प्राइम नंबर में वन नहीं आता, वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो फिर बेटा देखिए, ये जो नंबर्स हैं जिनका एक फैक्टर है वन और एक है नंबर इट्सेल्फ, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो आपके अभी प्लेइंग विद नंबर्स आपने खेला, प्लेइंग विद नंबर सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो आप सभी ने कर लिया है। एक बार आप उस चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछेंगे कि ये जो कॉलम है इसमें कैसे नंबर्स हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं जो इवन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस कॉलम बी में कितने डिजिट्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। आप इस तरह से अपने आपस में फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन छोटे के साथ अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी, और इन्जॉयमेंट के साथ साथ आपकी लर्निंग भी होगी। सो प्लेइंग विद लर्निंग, वेरी गुड। सो ऑल द बेस्ट, कीप इन्जॉइंग, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।